Back to NM Creative Learning Channel. Today we are going to study Roman numerals. Children, you know कि हम जो नंबर यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर ये नंबर लिखे हुए हैं 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, जो हम इस तरह के नंबर यूज करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 काउंटिंग सीखते हैं, इन्हें कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल. क्या कहते हैं इनको? हिंदू अरेबिक न्यूमरल. लेकिन बहुत सारी अलग अलग सिविलाइजेशन में अलग अलग नंबर्स यूज़ करते हैं. तो आज हम जिन नंबर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के भी लेटर्स यूज़ किए गए हैं. 7 लेटर्स हैं. आप ये देख रहे हो आई वी एक्स एल सी डी और एम. अब इनमें से हम देखेंगे कि अलग अलग जो अल्फ़ाबेट के नंबर्स हैं वो अलग अलग को डिनोट करते हैं. तो 1 जो आई है वो तो 1 को डिनोट करता है, 1 के लिए आप यूज़ करते हैं इसको. और जो ये वी है, वी 5 के लिए आता है. आप 5 लिखते हैं, क्लास 5th लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं ना, तो 5 के लिए वी आता है. 10 के लिए एक्स का यूज़ होता है. और एल डिनोट करता है 50 को, सी डिनोट करता है 100 को, डी डिनोट करता है 500 को, एम डिनोट करता है 1000 को. आपको इन्हें बहुत अच्छे से लर्न करना है सारों को. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी. अब रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं. हम उन रूल्स को डिस्कस यहाँ पर करने जा रहे हैं. रूल नंबर 1, इनको आप अच्छे से समझिए. इसमें एडिशन का, जब भी आप कोई नंबर किसी दूसरे में ऐड करना चाहते हैं तो उसका मतलब होता है रेपिटिशन, यानी कि उस नंबर को आप रिपीट कर देते हैं. जैसे एग्जांपल मैं लिखूंगी तो आपको ये बात और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी. लेकिन ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप पहले ही जान लीजिए कि 3 टाइम से ज़्यादा आप किसी को रिपीट नहीं कर सकते. क्लियर हो गया ना? 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते. अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये 1 है, आप जानते हो ना आई का मतलब 1 होता है, तो 3 बार लिखा तो क्या बन गया, ये 3 बन गया ना. अब एक्स का मतलब आप जानते हो ना 10 होता है. अब ये 3 बार एक्स एक्स लिखा तो 10 प्लस 10 प्लस 10 हो गया, तो कितना हो गया, ये 30 हो गया. सी का मतलब क्या होता है आप जानते हो ना, 100 होता है. अब अगर सी 2 बार लिखा है तो 100 प्लस कितना हो गया, 200 हो गया. एम का मतलब 1000 होता है. अब 3 बार अगर एम लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3000 हो गया. और ये तो आपको बात बता ही दी है कि कितनी बार आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं. ये चीज़ यहाँ भी देखो राइट की हुई है, आप यहाँ से भी इसको याद रख सकते हैं. आई एक्स सी एम, केवल ये 4, इसमें से आई ये हुआ, एक्स ये हुआ, सी ये हुआ और एम ये हुआ. इसमें से आप अपने दिमाग में फीड कर सकते हैं ये बात कि जिनमें भी 1 आ रहा है, 1, 10, 100 और 1000, केवल इन्हें आप 2 बार या 3 बार रिपीट कर सकते हैं. लेकिन जो 5 वाले हैं, बी एल डी, यानी कि बी 5 एल 50 और डी 500, तो ये आपके लिए दिमाग में बैठाने वाली बात है आपको ज़रूरी, कि इनको तो रिपीट ही नहीं किया जा सकता है. यहाँ पे लिखा है ना कैन नॉट बी रिपीटेड, इन्हें केवल एक ही बार यूज़ कर सकते हैं. बात समझ में आ गई है ना आपको? तो ये ध्यान में रखना है किसको रिपीट कर सकते हैं, किसको रिपीट नहीं कर सकते हैं. 5 जिनमें हैं उन्हें रिपीट नहीं कर सकते, जिनमें 1 आ रहे हैं उन्हें भी केवल 2 या 3 ही रिपीट कर सकते हैं.
इज इट क्लियर? चलिए अब हम रूल नंबर टू यहाँ पर पढ़ेंगे। रूल नंबर टू में क्या लिखा है? When a smaller number written to the right of a greater value symbol is always added to the larger numeral। जब आप किसी के पहली बात तो ये कि आप कोई भी जो लार्जर न्यूमरल होगा उसके राइट साइड में अगर कोई दूसरा आप लिखेंगे, पहली बात तो स्मॉल ही लिखेंगे और जो भी लिखेंगे वो ऐड हो जाएगा। राइट साइड में आने पर एडिशन, ये दो वर्ड याद रखो। राइट साइड में लिखेंगे तो ऐड है उसका मतलब। तो चलिए जरा एग्जांपल से हम देखते हैं। देखो यहाँ इन्होंने 5 लिखा और इसके राइट साइड में 1 लिखा, 10 तो लिख ही नहीं सकते थे, स्मॉलर ही लिखना होता है, ये भी दिमाग में रखना है। तो ये क्या बन गया? 7 बन गया है ये। अब इसी तरीके से ये 10 है और आपने इसके इधर साइड में ये 5 ऐड किया तो ये 15 बन गया है। ये एडिशन हुआ, इसका मतलब m का मतलब आपको याद ही होगा ना, 1000 होता है। अब ये दो बार आप इसमें 10 राइट कर दिया आपने तो 20 हो गए ना, तो ये क्या बन गया? 1020। अब यहाँ पर सी का मतलब आप जानते हो कि 100 होता है, ओके। तो आपने सी राइट किया, उसके साइड में लिखा एल, सी का मतलब 100 है, एल का मतलब 50 है, तो ये बन गया 150। सिंपल सा रूल याद रखिए कि जब आप राइट साइड में राइट करेंगे तो उसका मतलब होगा एडिशन। नाउ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में अगर आप लेफ्ट साइड में राइट करेंगे, अगर कोई भी नंबर आप, यानी कि वो तो याद ही रखना है कि बड़ा नंबर ही आप केवल उसमें राइट कर सकते हैं, जब आप लेफ्ट में राइट करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? सब्ट्रैक्शन, या आप सोच सकते हैं कि माइनस करना होगा। ये समझ में आ गई बात आपको कि आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए ज़रा एग्जांपल से हम टेस्ट करते हैं। अब देखिए ये 5 है, अब आपने लेफ्ट साइड इस साइड है तो ये 1 लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 5 में से 1 माइनस करना है, और 5 में से 1 माइनस करके क्या बचा? 4। अब आप 4th क्लास में हैं तो आप ऐसे राइट करते हैं ना, तो ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। अब एक्स एल है, एल का मतलब क्या होता है? 50। और इधर आप 10 राइट किया आपने, तो 50 में से 10 माइनस किया तो आंसर क्या आया? 40 आया यहाँ पर। नेक्स्ट, अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर सी राइट किया है, सी का मतलब क्या होता है? 100, और इसमें से आपने ये 10 लिखा है तो 100 में से 10 माइनस करके क्या बचा यहाँ पर आंसर? 90। तो अब आपको क्लियर हो गई होगी ना पिक्चर, लेकिन इसके साथ में कुछ और रूल भी याद रखने हैं। सीएम वाला भी देख लेते हैं। ये एम का मतलब 1000 होता है, 1000 के लेफ्ट साइड में सी लिखा है देखो, तो 1000 में से 100 माइनस करना है तो इसका मतलब 900 बचा है। अब कुछ और रूल याद रखिए, 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 और 10 ओनली। मैंने बताया ना कि बिगर में से ही आप केवल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जो आप लेफ्ट में लिख रहे हैं उससे आगे नेक्स्ट नंबर जो है वो उससे ग्रेटर बड़ा ही होना चाहिए। और 10 को किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप? L में से, L का मतलब क्या हुआ? 50। और C का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? आप जानते हो ना C का मतलब क्या होता है? 100। वैसे भी आप सोच सकते हो कि 10 को केवल 50 और 100 में से माइनस किया जा सकता है। अब ये एक रूल यहाँ पर और राइट किया हुआ है, यानी कि वी एल और डी, वी का मतलब क्या होता है? ज़रा चलिए आपके हम नॉलेज भी चेक कर लेते हैं कि आपने सीखा, बताइए बताइए। वी का मतलब होता है 5, एल का मतलब होता है 50 और डी का मतलब होता है 500। वी मीन्स 5 और एल का मतलब है 50 और डी का मतलब है 500। आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाते हैं, तो ये कभी भी लेफ्ट में लिखे ही नहीं जाएंगे। बात क्लियर हो गई है ना? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। चलिए रूल नंबर अब हम
फोर रूल नंबर हम चेक करते हैं। व्हेन ए स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल, यानी कि दो बड़े न्यूमरल के बीच में अगर आप कोई एक स्मॉलर नंबर राइट करते हैं तो वो हमेशा जो उसके जस्ट बाद आता है उसमें से माइनस किया जाता है। ये हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये 10 है, ये 10 है तो, और ये 1 है तो 1 को हम जो इसके नेक्स्ट जस्ट बाद ये नेक्स्ट आ रहा है इसमें से माइनस करेंगे, तो इसलिए ये क्या बचा है, ये अब ये 9 हुआ तो ये कितना बन गया 19 हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं, आप ये जानते हो कि L, L का मतलब क्या होता है 50 होता है, और ये यहाँ पर X लिखा हुआ है तो X का मतलब क्या होता है 10 होता है, और ये बीच में N है, L और X, ये और ये, तो आपको इस बीच वाले को ही माइनस करना है, और माइनस किस में से करना है जो नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें से, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 बचा, और ये आपका कितना था ये 50, तो इसीलिए यहाँ पर ये 59 आंसर इसका दिया गया है। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट C1X, आप जानते हो कि C का मतलब है 100 और ये 10 है तो ये 1 माइनस किया इसमें से ही करना है, हमेशा नेक्स्ट वाले में से करना है, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, 9 हुआ और ये तो 109 हो गया। आई थिंक कि आपको ये रूल 2-3 बार रिपीट करने हैं तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएंगे बिल्कुल। अब नेक्स्ट हम जरा यहाँ पर ये टेबल आप ज़रूर लर्न करिए, तो इस टेबल में आपको यहाँ पर कुछ ये न्यूमरल्स बताए गए हैं, वैसे तो हमने अभी ये यहाँ पर डिस्कस भी किए हैं लेकिन फिर हम एक बार और डिस्कस कर देते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके बाद ये देखो 10, 10 दो बार बना तो 20 हो गया, 3 बार बना 30 हो गया, अब ये L का मतलब 50 होता है और इधर 10 लिखा है तो इधर लेफ्ट में लिखने का मतलब क्या होता है माइनस, तो ये 40 हो गया, L का मतलब तो 50 ही होगा केवल, ये 50 हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि L का मतलब 50 और राइट साइड में लिखा है, इस वाले में आप देख रहे हो कि राइट साइड में लिखा, राइट साइड में लिखने का मतलब क्या होता है प्लस, तो ये 60 बन गया है। नेक्स्ट वाले में दो बार एक्स लिखा है इसका मतलब 2, 10 हो गए हैं तो ये कितना बन गया, ये 70 बन गया है। इसी प्रकार से सी का मतलब आप जानते हो कि 100 होता है तो डबल सी का मतलब क्या बन गया 200, अब 2 या 3 बार ही केवल हम इनको यूज़ कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, तो ये 300 हो गया। अब अगर हमें 400 हमें राइट करना है तो आपको क्या करना होगा, 400 के लिए आप यहाँ पर देख रहे हो कि डी लिखा है और सी लिखा है, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है 100 और डी का मतलब क्या होता है 500 और सी लेफ्ट में लिखा है तो इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ 400, अब डी का केवल 500 है। तो आप इस टेबल को भी बार बार देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो और तब तक इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करेंगे तो अच्छे से पूरी एक्सरसाइज आप बड़े अच्छे से कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।